इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। तस्वीरों में जो आप टूटा फूटा कच्चा घर और बेहद जर्जर हालत में मकान में रह रहे इन बूढ़े माँ बाप को देख रहे हैं। इनका बेटा राम बहादुर 12 साल के बाद इनके पास वापस आने वाला है। जी हाँ, बांदा जिले की नारायणी तहसील क्षेत्र के अतर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचूफर के रहने वाले गिल्ला का एक बेटा राम बहादुर 12 साल पहले साइकिल लेकर गाँव से निकला था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। माँ बाप ने उसको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और जब उसका सुराग नहीं मिला तो हताश होकर घर बैठ गया। अपने 30 साल के जवान बेटे की दुशुदगी ने माँ बाप को बुरी तरह तोड़ दिया। आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के चलते बांदा से बाहर एवं तक भाग दौड़ भी ना कर सके और अपने बेटे को मृत मानकर दिल पर पत्थर रख दिया। आंखों में आंसू बहाते रहे, लेकिन कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा होता है और आखिरकार उनके लिए वह सवेरा आ ही गया। जब पुलिस प्रशासन के लोग तफ्तीश करते थे उनके गांव पहुंचे और उसके बाद इनके घर जाकर कंफर्म किया कि इसका बेटा 12 साल पहले घर से गायब हुआ था और इनको बताया कि राम बहादुर पाकिस्तान किसी तरह पहुंच गया था जहां उसको 12 साल की कैद में थी और वह सज़ा पूरी होने के बाद पाकिस्तान की आज़ादी के दिन यानी 14 अगस्त को रिहा करके वाघा बॉर्डर के जरिए भारत के हवाले कर दिया गया है और फिलहाल वो अस्पताल में अपनी ज़रूरी जांच करा रहा है। बेटे को जिंदा पाकर परिजन बेहद खुश हैं और बेसब्री से उसके घर वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन बेचारे गरीब दंपत्ति के पास इतना पैसा भी नहीं है कि दिल्ली जाके का पैसा सरकार का जो लाना हो तो ले आ सकती है, मगर मुझे पैसा नहीं है। का करी हूं मैं। जब वो गायब हुआ था तब वो कितने साल का था लगभग? क्या मानसिक भी विक्षिप्त था? 30 साल का रहा है, 12 साल उसको गायब हो गए। 42-47 का लड़का हो गया। शादी हुई थी? हाँ हाँ, शादी नहीं हुई है। शादी हुई जब वो तो कहे का जात का था। नारायणी ये करीब कई साल से पाकिस्तान के जेल में बंद थे और उनको वहाँ के द्वारा जो जितने समावधि का कारावास की सज़ा सुनाई गई थी उन्होंने अपने उस सज़ा को पूरा कर लिया था और उसके क्रम में उनको वहाँ से पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत को सौंपा जा रहा है वाघा बॉर्डर के द्वारा। उसी के संबंध में उनके परिवार वालों घर वालों को ये सूचित करने का आदेश हुआ था, उसी के क्रम में उनके परिवार वालों को इस बात से अवगत कराया गया है। ठीक है, ऐसे हम लोग मांगी गई थी कि ये राम बहादुर नाम का व्यक्ति जनपद बांदा का रहने वाला या नहीं रहने वाला है, तो इस संबंध में जांच की गई। वहाँ के ये मूलतः जो है ग्राम पचोकर थाना तर्रा का रहने वाला है राम बहादुर, और वहाँ के ग्राम प्रधान से इस संबंध में जानकारी की गई। उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, इस नाम के व्यक्ति गाँव में रहता है और उसी आधार पर विदेश मंत्रालय को एक रिपोर्ट यहाँ से प्रेषित कर दी गई थी। अब वो जेल में है या नहीं है इस संबंध में कोई इस तरह से कोई पत्र हम लोगों के पास नहीं है, और जैसे अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो फिर अवगत कराया जाएगा।